आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि जब कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहा होता है, जब उसका शुरुआत का पल होता है अगले एक महीने दो महीने, तो जब उसे 10 दिन 15 दिन 20 25 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद उसे रात्रि दोष एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके सामने नाइटफॉल की समस्या आती चली जाती है और हर दूसरे दिन तीसरे दिन नाइटफॉल हो जाता है। तो इसका क्या इलाज है और इसको लेकर के उनके मन में कई सवाल जरूर आते हैं, जैसे कि क्या मैंने अब सब कुछ खो दिया, क्या मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, और जो मैंने इतने दिन ब्रह्मचर्य फॉलो किया था क्या उसका फायदा अब मुझे नहीं मिलेगा और वो टूट जाएगा, और मुझे क्या फिर से शुरुआत करनी होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस व्यक्तियों के दिमाग में आते हैं और इन्हीं का सवाल जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ और ऐसे 7 नियम बताने वाला हूँ जिनसे आपको रात्रि दोष की समस्या खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये जानो कि रात्रि दोष की वजह से आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटता, बल्कि ब्रह्मचर्य डिपेंड करता है आपकी संकल्प शक्ति पर। आप कितने मजबूत हैं अंदर से ब्रह्मचर्य को लेकर के, आप कितना सब्र रख सकते हैं, पेशेंस और धैर्य बना के रख सकते हैं। तो इसीलिए तो सबसे पहले आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा, बस रात्रि दोष की कुछ समस्याएं हैं। तो ये वीडियो देख लेना, इसमें 7 नियम बताए हैं, इन 7 नियमों को फॉलो करके आपका रात्रि दोष की समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलो एक एक करके सभी नियमों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहला, नाइटफॉल होता क्यों है? जब आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है यानी कि पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, और पित्त बढ़ने से आपके शरीर में नाइटफॉल की समस्या होती है, और भी कई समस्याएं होती हैं जैसे कि फोड़े फुंसी होना। तो सबसे पहला नियम है आपको क्या फॉलो करना है भाई, अपने शरीर से गर्मी कम करनी है यानी कि पित्त की मात्रा को कम करना है। अब ये कैसे होगा? तो आपको अपने दिनचर्या में सुधार करना होगा, कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है, जैसे कि गलत देखना, गलत खाना, गलत रहन-सहन, ये चीजें करने से आपके शरीर में पित्त बढ़ता है जिससे नाइटफॉल की समस्या, और जितना हो सके गर्म चीजों से दूर रहिए जैसे कि तला भुना, प्रोसेस्ड फूड, इन चीजों का सेवन ना करिए, और अपने शरीर को कूल डाउन रखने की कोशिश करें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। टेंशन लेने से पित्त बहुत तेजी से बढ़ता है और नाइटफॉल की समस्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। उसके बाद अगला नियम ये फॉलो करना है कि कई लोग मेरे भाई खाते ही सो जाते हैं, खाया और फिर थोड़ी देर तक घूमे फिर सो गए, तो आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको रात का डिनर सोने से 3 घंटे पहले कर लेना है। जब आप रात को सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लोगे तो उस भोजन से निकली हुई गर्मी आपकी बॉडी हाइड्रेट कर देगी यानी कि उसको कम कर देगी, और आप रात को अच्छे से सो पाओगे, कंफर्टेबल सो पाओगे, आपको किसी भी तरह का रात्रि दोष नहीं होगा। उसके बाद अगला नियम है आपको सोने से पहले 2 काम करना है। सबसे पहला 200 से 300 कदम की वॉकिंग करनी है आपको, और फिर आकर अपने पैरों को धोकर सोना है, और पैरों को ठंडे पानी से और बिल्कुल साफ करके धोना है, क्योंकि हमारे पैरों में ऐसे नर्व्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं, और ब्रेन से कनेक्ट रहने पर अगर आप अपने पैरों को साफ करते हो तो ब्रेन भी आपका साफ हो जाता है। अगर आपके पैर ठंडे हैं तो दिमाग भी ठंडा रहेगा और मन में गलत विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जिससे रात्रि दोष का खतरा कम हो जाएगा। उसके बाद सोने से पहले आपको अपने दिमाग में पवित्र विचार रखने हैं, कोई भी आपके गलत नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोने से पहले आपको बिल्कुल भी तला भुना ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है, और सोने से पहले ही नहीं आपको पूरे दिन में ऐसा चीजों का सेवन कभी नहीं करना, क्योंकि इनसे आपके शरीर में पित्त बढ़ता है जिसके नुकसान मैंने आपको पहले बता दिया, नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। उसके बाद कई लोग रात को सोने से जस्ट पहले गर्म दूध पीते हैं, बिल्कुल खोलता हुआ दूध, तो ऐसा नहीं करना, आपको दूध को थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर उसका सेवन करना है, और दूध पीते नहीं सो जाना। दूध पीने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन करना है। वज्रासन आपकी बॉडी को कूल डाउन करने में मदद करता है जिससे नाइटफॉल की समस्या कम होती है। उसके बाद कई लोग रात को सोने से पहले ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट पर असर पड़ता है जिससे कि आपको नाइटफॉल हो जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पेशाब करके सोना है, फिर आपको खुले वस्त्र पहनकर ही सोना है। जब आप ये 2 काम करते हो, रात को पेशाब करके अच्छे से सोते हो और खुले वस्त्र पहनकर सोते हो, तो आपको कंफर्टेबल नींद आती है, गहरी नींद आती है। उसके बाद आपको पूरे दिन गलत चीजों से दूर रहना है, गलत आदत छोड़ देनी है। कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य तो अपना लेते हैं लेकिन अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ते, तो भाई ऐसा तो करना होगा आपको कि गलत आदतों को छोड़ना है। उसके बाद कई लोग इस रात्रि दोष की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब क्या होगा, अब मैं ब्रह्मचर्य कैसे फॉलो करूंगा, तो बल्कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको ये जानना है कि ये रात्रि दोष हुआ क्यों है, फिर उस वजह को जान करके आपको उस वजह में इंप्रूवमेंट करना है, तो आपका नाइटफॉल आराम से ठीक हो जाएगा। बस आपको रोजाना कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी है अपनी लाइफ में, अपने ब्रह्मचर्य की जर्नी में। उसके बाद अगर आप इन सभी नियमों को फॉलो करते हो तो आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। तो ये थे कुछ तरीके जिन्हें फॉलो करके आप अपने नाइटफॉल की समस्या खत्म कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।